हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थंबनेल्स की RAR फाइल जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसकी लिंक मिलेगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो पासवर्ड आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है कि पासवर्ड क्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ रेडीमेड है। आपको क्या करना है, बेसिकली जो फॉन्ट फॉन्ट की लिंक इसके अंदर है वो आपको डाउनलोड करनी है। सारे के सारे जितने भी फॉन्ट है सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड करना है, डाउनलोड अगर कर लेते हैं तो सारी की सारी डिजाइन, जो भी वेराइटीज ऑफ डिजाइन है जिसके अंदर, जिस फाइल के अंदर जो भी फॉन्ट के यूज हुए हैं, वो सारे के सारे फॉन्ट जब वो पीसी फाइल जब आप ओपन करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। इसीलिए आपको फॉन्ट को यूज करना है और डाउनलोड करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको कौन से वर्जन के अंदर यूज होगी। मैं फिलहाल अभी सीसी में यूज कर रहा हूँ, तो सीसी के लोअर के अंदर मे भी यूज हो जाए, आई डोंट नो। आप चेक करके मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम थंबनेल जो है वो रेडीमेड कंप्लीटली आपको जस्ट सिंगल क्लिक करना है और एडिट करना है उसके टेक्स्ट को, और ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ओपिनियन आपका दीजिएगा कि आपको पसंद आया या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आपको लिंक लिंक है जो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पासवर्ड आपको पूछना है कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और उसके अंदर आपको दो फाइल फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगी, PSD फाइल्स मिलेगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मिलेगी। टेक्स्ट के अंदर आपको डबल क्लिक करना है और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे मिले वो एक बार देख लीजिए कि किस तरह से है, कैसा है, इसकी साइज क्या क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अभी आपको यहाँ से फोन्ट जो है वो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड कर। ठीक है, डाउनलोड हो जाए उसके बाद ही आप फाइल को ओपन कीजिए, PSD फाइल को, अदरवाइज आपको फॉन्ट की एरर आएगी। जब हम ओपन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कैसी एरर आती है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है इसलिए। ठीक है, तो ये एक नंबर से लेके यहाँ पे है 25 नंबर तक, तो टोटल हमारे पास है 25 PSD फाइल जो कि फ्रीली अवेलेबल है। देखते हैं शुरुआत से कि किस तरह से आप डबल क्लिक करके ओपन करके सीधा वो PSD फाइल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो फाइल कुछ इस तरह से मिलेगी, लेकिन अगर आपने फॉन्ट को डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको ये एरर आएगी आएगी और आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे फॉन्ट जो है डाउनलोड जो है वो कर लेने हैं ताकि ये एरर आपके अंदर ना आए। ठीक है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए ये नहीं कर पाऊँ, कैंसल। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने इमेजेस जो है वो चेंज कर सकते हो। मान लीजिए इसको डिसेबल कर दिया है तो फिर इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो कि मुझे इसकी जगह पे कोई और इमेजेस चाहिए, या फिर इसको अल्टर की के साथ इसको बाहर निकाल लीजिए, जस्ट इसको इसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए और ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। और कोई भी फाइल अगर आपको यहाँ पे अपडेट करनी हो तो जस्ट यहाँ पे आप पेस्ट करके उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे ये टेक्स्ट इसके अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मुझे फिर क्या करना है, सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे जस्ट बंद कर देना है, तो वो डायरेक्ट फाइल जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट के हिसाब से भी वही करना है, इमेज आपको चेंज करना है अगर करनी हो तो, और फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज करना है टेक्स्ट कर सकते हो, सेल लिखा हुआ चेंज करना है तो उसके अंदर क्या कर, देखिए फॉन्ट मिसिंग की एरर आई, अगर मैं इस पे चेंज करता हूँ तो ये फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
हो गए थोड़े से, इसके रिलेवेंट जो भी फोन होंगे वो ये अपने आप ले लेता है, इसलिए मेरे में ये इफेक्ट जो है वो आती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्री, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट टैग चेंज कर दिया, टैक्स ही चेंज किए और कुछ नहीं किया। लेकिन इसको बंद करके देखें तो अभी भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ आता है, तो वो सेल है, वो यहाँ से है। तो वो शेडो आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना होगा और चेंज करना होगा कि आपको नीचे बैकग्राउंड के अंदर क्या चाहिए, ठीक। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो इसकी आप कॉपी कंट्रोल जैसे ले सकते हो और इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। जस्ट डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और पहले राइट क्लिक करके मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ। राइट क्लिक, अनलिंक, अनलिंक लेयर्स, ठीक है। तो मैं इसको अनलिंक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, फिर इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको जस्ट हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। डबल क्लिक, तो इफेक्ट कुछ इस तरह से मुझे इसको चेंज करना है। ये इनर ग्लो दिया हुआ है, इसके अंदर आप व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ओके। फिर बेवेल इफेक्ट दी गई है, तो कौन सी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देन ओके प्रेस। सेम ईयर इधर कौन सी चाहिए सिलेक्ट कर लो, देन ओके कर लो। तो ये कुछ इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पे आउटर ग्लो, आउटर ग्लो कैसा दिखाना है मुझे, व्हाइट दिखाना है तो मैं इसके ऊपर व्हाइट कर रहा हूँ, तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा व्हाइट हो गया। ड्रॉप शेडो को सा कैसा देना है, तो ड्रॉप शेडो ठीक है, देन ओके प्रेस करेंगे इसके अंदर और इस फाइल को मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो कुछ मुझे इस तरह से इफेक्ट जो है वो मिल रही है, ठीक है। बंद करके देख रहे हैं कितना इफेक्ट हुआ है, पहले इतना था अभी इतना हुआ, ठीक है। आपको अपने हिसाब से चेंजेस करते रहना है, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फॉलोअर्स का चेंजेस है वो भी कर सकते हो, कोई भी चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। ये सारी की सारी PSD के अंदर अवेलेबल है, तो ज़्यादा डीप के अंदर मैं नहीं चाहता हूँ, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, फॉन्ट को चेंज करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी डिजाइन की ओर। सेव करना है मुझे दूसरी डिजाइन, ये जो तुमने बनाया है उसी के ऊपर बेस है। तो ये दूसरी डिजाइन हमारे कुछ इस तरह से मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सेम फोन के रहा यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे, फिर ये वाला सिर्फ जस्ट क्लिक करना है और आपको एडिट कर देना है, कुछ नहीं। तो एडिट करने के लिए मैं टेक्स्ट टूल में जा रहा हूँ, टेक्स्ट टूल में जाऊँगा, क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करेंगे। तो फॉन्ट मिसिंग का इश्यू है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। जो भी आपको लिखना है, ग्रेट ऑफर या फिर फ्री ऑफर, मैं कुछ चेंज करके मुझे फ्री ऑफर लिखना है, तो मैं फ्री ऑफर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो फॉन्ट कुछ चेंज हो गए तो इस तरह से दिखेंगे, जो भी आपने फॉन्ट अगर इंस्टॉल किए हैं तो सेम क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से एडिट होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी डिजाइन की ओर। तो ये तीसरी डिजाइन है, ऐसे करते करते आपको 25 डिजाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन है, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, तो मैं आपको 5 दिखा देता हूँ फिलहाल, और बाकी की आपको देखना है, आपको कौन सी पसंद आती है वो देख लीजिए। ये कुछ इस तरह से है, ओके, देन नेक्स्ट, और ये 5वीं। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइंस कैसी लगती है, किस तरह से आपका फीडबैक क्या है, आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, कैसी चाहिए, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं अगला वीडियो जो है वो फ्रीलांसिंग एक वेबसाइट है उसके बेस पे बनाने जा रहा हूँ। तो वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट कौन सी है आपको पता लग चुका है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट कौन सी है, और मैं इसके ऊपर एक A to Z वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए। जो भी अभी फिलहाल बहुत ही चीप रेट है उसका आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो वेबसाइट का नाम क्या है और आपके उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हैं, कितनी अर्निंग होती है, कैसे होगी, वो सारे के सारे डिटेल्स जो है वो बताऊँगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उसका प्रोमो करने के लिए मैं कुछ एक पोस्ट भी डाल दूंगा, तो आपको बेहतर आइडिया रहेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।